तो आप पर डे नहीं, सॉरी, पर मंथ आपका 20,000 रुपीज़ रिकरिंग अमाउंट हो गया, जो हर महीने आपके पास आने वाला है, क्योंकि एक बार जिसने एक्टिवेट किया है उसको आपके कंटेंट अच्छे लगे तो वो हर महीने आपको पे करेगा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ बहुत नहीं रहता, आप उतना दिन भर में चाय पी जाते होंगे उतने का, तो कोई भी पे करता है। अगर ऑडिबल एप्लीकेशन, ऑडिबल जो ऐप है उसके अंदर अगर इतना छोटा प्लान होता तो मैं भी बाय करके हमेशा करता। मैं बहुत रेयर ऐसा करता हूँ, मतलब ऐसे प्लान्स मैंने तो कुछ बाय नहीं किए हैं ज़्यादा। मैं भी कभी 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 काम करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो गानों से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरी गाड़ी में कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं लगाऊँ, या फिर कुछ स्टोरी सुनूँ किसी सक्सेसफुल मैन या फिर बिजनेसमैन की स्टोरी सुनूँ, मुझे ये पसंद है। ठीक है, वैसे ही सबको कहीं ना कहीं ये सब पसंद रहता है, वो सोते सोते किसी कोई स्टोरी सुने, कोई मोटिवेशनल चीजों को सुने, वो सबको पसंद है आजकल। और इसी का, यही यूजर बिहेवियर का फायदा उठाया है। रियल ऑडिबल कैश एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात की जाए तो ज्यादातर आपके दिमाग में यही आएगा कि जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं होते हैं, जैसे टूर्नामेंट एप्लीकेशन हो गया, लूडो एप्लीकेशन हो गया, या फिर रम्मी, तीन पत्ती, ये सब रियल कैश एप्लीकेशन है। ड्रीम इलेवन टाइप एप्लीकेशन, एमपीएल टाइप एप्लीकेशन, ये सब रियल कैश एप्लीकेशन है, ज्यादातर मैंने वीडियोज में यही बताया है। लेकिन रियल कैश एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ वही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, मतलब यूजर्स अर्न कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप डायरेक्टली यूजर से पेमेंट ले सकते हो और उसमें सच में बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस का जो मोनेटाइजेशन मॉडल या फिर रेवेन्यू मॉडल है, जो ज़्यादा वो अर्न कर पाते हैं, वो यही रहता है कि वो यूज़र से पैसा ले रहे हैं। अडोबी, आपको पता है अडोब का प्रीमियर प्रो, अडोब फोटोशॉप कितने फेमस हैं, उनमें कहीं आपने कभी ऐड देखा है? ऐड के थ्रू वो पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, वो एक रिकरिंग अमाउंट जनरेट करते हैं और हर महीने जो उनके यूजर्स हैं उनसे वो एक अमाउंट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एडोबी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो उसमें नहीं जाऊंगा, हालांकि आजकल प्ले स्टोर पर आ चुका है, पर स्टिल इतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता कि वो उतना वर्क कर पाता है। चलिए बात करता हूँ मैम नॉर्मल जो हम लोग एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर अमेजोन प्राइम हो गया, या फिर ऑडिबल एप्लीकेशन, आप सभी को पता है ये मंथली कुछ ना कुछ हमसे, अगर आप यूज़ करते होंगे तो ये मंथली चार्जेस करते हैं, मतलब मंथली इन द सेंस उनका तो वो रिकरिंग मॉडल हो गया, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, वो हर महीने आने वाला है। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट, मतलब जो मतलब अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको एक मंथली फिक्स इनकम जो आपको होता है ना कि भाई मेरे इतने यूजर्स हैं उतना रिकरिंग अमाउंट मेरे को आता रहेगा। और कभी भी दोस्तों रिकरिंग जो पेमेंट आता है उससे आपका क्या होता है कि आप बजट मतलब बना सकते हो कि इस महीने मेरा ये आने वाला है तो मैं आगे का प्लान आप कुछ और कर सकते हो। ठीक है, तो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल इस टाइप के एप्लीकेशंस में बहुत होते हैं, जिस टाइप के एप्लीकेशन की बात मैं आज करने वाला हूँ। हालांकि ऐसे एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं मार्केट में, भी स्टोरी टेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पर अभी कंपटीशन बहुत कम है ऐसे एप्लीकेशन में। ऐसे एप्लीकेशन में कंपटीशन वैसे कभी भी कम रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, ऑडियो अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, आप वो लोगों को सुना के उनसे चार्ज कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ऑडिबल एप्लीकेशन के मोनेटाइजेशन मॉडल, कॉस्ट, क्या फीचर्स रहते हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग को एक ऑडिबल एप्लीकेशन क्यों बनवाना चाहिए। उसके भी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या रहता है, एक ऑडिबल एप्लीकेशन किन तरीकों से पैसा कमाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑडिबल एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। आप अगर कोई एडिबल ऑडिबल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जिसमें स्टोरी आपको सुनने को मिल रहा है, बुक्स पढ़ने को मिल रहा है, मोटिवेशनल चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, सिर्फ सुनने को मिलता है वहाँ पे। ऑडिबल मीन्स सिर्फ आप उस एप्लीकेशन के जरिए सुन सकते हो, और आजकल इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है कि वो वीडियो देखे, बुक रीड्स करे। ठीक है, सिंपल वो अपना काम का मतलब जो भी उनका काम है, काम करते करते वो सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा। मैं भी कभी कभी काम करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो गानों से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरी गाड़ी में कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं लगाऊँ, या फिर कुछ स्टोरी सुनूं किसी सक्सेसफुल मैन या फिर बिजनेसमैन की स्टोरी सुनूं, मुझे ये पसंद है। ठीक है, वैसे ही सबको कहीं ना कहीं ये सब पसंद रहता है, वो सोते सोते किसी कोई स्टोरी सुने, कोई मोटिवेशनल चीजों को सुने, वो सबको पसंद है आजकल। और इसी का, यही यूजर बिहेवियर का फायदा उठाया है ऑडिबल यानी कि अमेजोन की जो कंपनी है, या फिर स्टोरी टेल, ऐसे और भी एप्लीकेशन हैं जो इसका फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं इस टाइम। और ये रिकरिंग मॉडल मतलब कि एक बार यूजर अगर जैसे नेटफ्लिक्स रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, हर महीने आपको आएगा, एक बार अगर यूजर आपके एप्लीकेशन पे आया वो हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देकर जाएगा ही, जो आपने सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है ऑडिबल एप्लीकेशन का बिजनेस मॉडल। सेकेंड, एक और उसके अंदर जो बिजनेस मॉडल या फिर रेवेन्यू मॉडल है आप कह सकते हैं,
वैसे एप्लीकेशन के अंदर बुक्स ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। बुक्स वैसे तो प्ले स्टोर पे भी आप जाके बुक खरीद सकते हो पढ़ने के लिए, जिनको रीडिंग करने का शौक है, मतलब बुक सेलिंग तो ठीक है, पर वहाँ पे ऑडिबल में क्या है कि बुक खरीद के आप सुन सकते हो काम करते करते। ये दो हैं बिजनेस मॉडल, एक तो बुक सेलिंग का, दूसरा सब्सक्रिप्शन प्लान का। ये ऑडिबल एप्लीकेशन के दो रेवेन्यू मॉडल हैं, जिसपे मतलब बिजनेस मॉडल आप कह लीजिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ की फीचर्स, जब भी आप एप्लीकेशन बनवाओ तो आपको क्या डलवाने चाहिए। वैसे उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि की फीचर्स में ज़्यादातर क्या होता है, लॉगिन रहता है, उसके बाद में रजिस्टर्ड, साइन अप, आप एडवांस से ज़्यादा ज़्यादा उसमें जो अभी इस टाइम मार्केट में चल रहा है। ऑडिबल में ज़्यादा फीचर्स रख के आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ ऑडिबल में यानी कि वहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान डालना है आपको और यूज़र आपके सुनने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ एडवांस फीचर डालने की जरूरत नहीं। एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल मत डालिए, अगर कोई यूज़र आपके लिए पे कर रहा है, मतलब कोई यूज़र आपको अमाउंट पे कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह तो कभी मत डालिए, ठीक है। तो की फीचर्स में लॉग इन, रजिस्टर्ड, और अपना बैकएंड से आप उसमें सॉन्ग अपलोड कर सको, और सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत सिंपल उसको रखिए, क्योंकि आपके पास कॉन्टेंट अगर अच्छा है तो एप्लीकेशन ज़रूर चलेगा, ठीक है। थर्ड, अब इस एप्लीकेशन के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट मैं लूंगा कि क्यों ऐसा एप्लीकेशन आपको डेवलप करना चाहिए, मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट जो है, सॉरी, तीसरा पॉइंट है कि ऐसे एप्लीकेशन का कॉस्ट क्या आता है। दोस्तों क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं नहीं। एक्चुअली की फीचर्स वाला पॉइंट मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि की फीचर्स, वो सारे फीचर्स भी क्या होगा कि आप लोग सारे फीचर्स लिखोगे फिर किसी डेवलपर को बताओगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, सच में बहुत ज़्यादा कॉस्ट वो आपको बताएंगे। सिंपल आपको बोलना है कि आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ताकि आप यूज़र का डाटा ले सको। दूसरा, आपको जो यूजर्स रहेंगे आपके, उन उन मतलब उनको आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी कि पेमेंट गेटवे अगर आप इंटीग्रेट करा सको उसमें, पेमेंट गेटवे रखना है, यूजर का रजिस्टर्ड लॉगिन है, उनका आप डाटा ले सको, डाटा कभी भी आप देख सको उनका, ठीक है। तीसरा, मतलब उसमें ऑडियो डाल सको, वो सब्सक्रिप्शन प्लान, मतलब पेमेंट गेटवे वाला सिस्टम। बस तीन चार फंक्शन इसमें मेन है, तीन चार ही यही मेन होता है, इससे ज़्यादा कुछ आप डलवाओ ही मत स्टार्टिंग में, आपका अमाउंट कम है तो। और ऐसे एप्लीकेशन बनवाने में आप वैसे नॉर्मल किसी भी डेवलपर पास जाओ, वो 1.5 लाख, 2 लाख कितना भी बोलेंगे, पर एमटी टीम यानी मेरा टेम्पलेट आपको 45 to 50,000 में इजिली आपको बिल्ड करके दे सकती है एप्लीकेशन। वही प्रोफेशनल यूआई वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड दिखाओगे इस वीडियो पे तो मैं, हमारे पास जो यूआई रेडी है वो भी मैं आपको शो करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता है, आप की फीचर ज्यादा बढ़ा बढ़ा के बोलोगे तो हर चीज का फिर वो डेवलपर चार्जेस लिख के आपको फिर कोटेशन सेंड कर देगा। इससे बेस्ट है सिंपल मॉडल रखो, सिंपल चीजें बताओ कि ऐसा ऐसा रखना है और उतना ही कॉस्ट आपको फिर बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्यों बनवाना चाहिए आपको एप्लीकेशन, वाई टू डेवलप ऑडियल एप्स और ऑडिबल एप्स, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, जहाँ कंपटीशन कम हो वहाँ पे उतरना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे। समझ के चलो कि आपने 20 रुपये, हालांकि इतना कम कोई रखता नहीं है, मैंने बहुत कम बताया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ कि आप इतना रखो, 20 रुपये आपने सब्सक्रिप्शन प्लान रखा है, 20 रुपये में वो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने ऑडियो डाले हैं, फिर वो चाहे मोटिवेशनल हो, स्टोरी हो, बुक्स हो, जो आपने डाल के रखा है वो 20 रुपये में बंदा सुन सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। अगर आपने प्रमोशन किया अपने एप्लीकेशन का, 5,000 या 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और मतलब इंस्टॉल आपको मिले, यूजर्स भी आपको 1,000 तक मिल गए, ठीक है, और इसको प्रमोट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजीली आपके कंटेंट में दम, आपका जो कंटेंट है उसमें दम है तो आपका ये जाएगा, बिल्कुल हिट जाएगा, ठीक है। हिट नहीं भी जाए समझ चलिए ना कि आपके 1,000 एक्टिव यूजर हो गए, ठीक है। 20 रुपये आपने सब्सक्रिप्शन प्लान का, मतलब स्टार्टिंग प्लान 20 रुपये से आपने रखा है और 1,000 आपके एक्टिव यूजर है, तो आप पर मंथ आपका 20,000 रुपीज रिकरिंग अमाउंट हो गया, जो हर महीने आपके पास आने वाला है, क्योंकि एक बार जिसने एक्टिवेट किया है उसको आपके कंटेंट अच्छे लगे तो वो हर महीने आपको पे करेगा 20 रुपीज। 20 रुपीज बहुत नहीं रहता, आप उतने दिन भर में चाय पी जाते होंगे उतने का, तो कोई भी पे करता है। अगर ऑडिबल एप्लीकेशन, ऑडिबल जो ऐप है उसके अंदर अगर इतना छोटा प्लान होता तो मैं भी बाय करके हमेशा करता, मैं बहुत रेयर ऐसा करता हूँ, मतलब ऐसे प्लान्स मैंने तो कुछ बाय नहीं किए हैं, बट हाँ मुझे उनके कुछ फ्री मतलब वो लोग स्टार्टिंग में देते हैं तो वो मैंने यूज़ करके देखा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ये सब सुनने के लिए या फिर, बट हाँ ये बिजनेस मॉडल अच्छा है इसलिए मैंने सोचा आपको मेरे वीडियो में शेयर करूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 20 रुपीज़ भी अगर आपने रखा है तो 1,000 अगर आपके एक्टिव यूजर हो जा रहे हैं, 1,000 ही सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1,000, तो आपका रिकरिंग अमाउंट हो गया 20,000 रुपीज, जो हर महीने आने वाला है, हर महीने आपको 20,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 50,000, 70,000, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया एप्लीकेशन बनवाने, वो आपका 3 से 4 महीने में रिटर्न हो जाता है, फिर आपका एक मतलब ये सोच सकते हो बैठे बैठे आप इजिली अर्न कर पाओगे, और हर महीने आप उनको बस कॉन्टेंट कुछ नया दीजिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये मैं समझ सकता हूँ, कुछ बना रहे हो ऑडियो अच्छे से बना रहे हो, ऑडियो इंजीनियर पास जा रहे हो या फिर साउंड इंजीनियर पास जाके आप अच्छे से बनवा रहे हो तो लगता है थोड़ा बहुत कॉस्ट,
लेकिन ये आपका रिकरिंग बिजनेस मॉडल जाएगा, और आपका एक बार 20,000 आना स्टार्ट हो गया तो आप प्रमोशन करा करा के उसमें कितना अर्न कर सकते हो ये मैं भी समझ सकता हूँ। तो ये बेस्ट बिजनेस मॉडल है दोस्तों, आपको भी ट्राई करना चाहिए, और अगर आप लोग रेडी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो या फिर ये बिजनेस मॉडल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।